हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी टेक्नो। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी का स्टैम्प। स्टैम्प से रिलेटेड हम लोग जानेंगे स्टैम्प ड्यूटी कैसे चार्ज होता है, ई स्टैम्प क्या होता है, फ्रैंकिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। स्टैम्प के कितने प्रकार होते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉलेज अबाउट Real Estate. Property Techno. दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स होता है जो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टैम्प ड्यूटी जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप जो स्टैम्प परचेस करते हैं वही स्टैम्प ड्यूटी टैक्स के रूप में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाता है। और जो टैक्स आप पे करते हैं वो एक गवर्नमेंट का, राज्य, किसी भी राज्य सरकार का एक आय होता है। उस आय पे ही जो है उनको वो अपने राज्य के डेवलपमेंट पे उसको वो एक्सपेंस करते हैं या नई नई योजना लागू करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी मैक्सिमम 4-10% हो सकता है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, बट अधिकतम 4-10% ही होता है। स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन कैसे हो करे, मतलब कैसे उसका वैल्यू की स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, ये किस पर निर्भर करता है, तो इसके चार कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो है पहला, प्रॉपर्टी जो है आपका आवासी है या आपका कमर्शियल यूज है, मतलब प्रॉपर्टी का यूज कैसा है, इस पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, प्रॉपर्टी किस जगह पर स्थित है, प्रॉपर्टी का लोकेशन कहां पर है, जैसे कि मान लीजिए रूरल एरिया में है, नगर निगम में है, मेन रोड में है, या मेन हाईवे से दूर है, या मेन मार्केट में है, इस पर भी प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी है ये डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी जो खरीदने वाला है यानी कि जिसके नाम पे रजिस्ट्री होना है वो मेल है या फीमेल है, जैसे कि किसी राज्यों में फीमेल के लिए स्टैम्प ड्यूटी 0 है, किसी इस कारण जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि मेल के नाम पे रजिस्ट्री हो रहा है या फीमेल के नाम पे रजिस्ट्री हो रहा है। प्रॉपर्टी किस फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, जैसे आप अपार्टमेंट लेते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार जो है स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन इस आधार पर किया जाता है। दोस्तों, पहला आप जानते हैं स्टैम्प पेपर, जैसे कि इसे सरकार द्वारा स्टैम्प अधिनियम 1989 के तहत जो है स्टैम्प पेपर अलग अलग मूल्य 5, 10, 20 रुपए, 50 रुपए, जिस प्रकार नोट होता है, हमारा करेंसी होता है, इस प्रकार जो है स्टाम्प का प्रिंटिंग मुद्रिक आपने देखा होगा, जो है मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो है इस प्रकार होता है। बट इसे मुद्रा की तरह आप उपयोग नहीं कर सकते, मुद्रा की तरह ही जरूर प्रिंटेड होता है लेकिन आप इसको मुद्रा की तरह उपयोग नहीं कर सकते। स्टैम्प ड्यूटी जो है दो प्रकार का होता है, एक जुडिशियल एक नॉन जुडिशियल। जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प है उसका उपयोग जो है अग्रीमेंट के लिए, रेंट अग्रीमेंट के लिए, शपथ पत्र के लिए, ऐसे अनेक प्रकार कार्य के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। किसी समझौतों के लिए, जैसे कोई आप किसी भी कारण से कुछ समझौता कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का या कार का, बाइक का, जो भी चीज का आप ले रहे हैं, उस सभी उपयोग में नॉन जुडिशियल स्टैम्प का उपयोग किया जाता है। जुडिशियल स्टैम्प का जो उपयोग किया जाता है वो कोर्ट में किया जाता है, कोर्ट में कैश का चलन ना हो, मतलब कैश का लेन देन ना हो, इसको रोकने के लिए या ना करना पड़े, इसलिए जो है जुडिशियल स्टैम्प केवल कोर्ट में उपयोग होता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प आप देख रहे हैं और एक जुडिशियल स्टैम्प देख रहे हैं, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि जुडिशियल स्टैम्प जो उपयोग करते हैं अधिकतर लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवाते होंगे, तो वो जो स्टैम्प यूज होता है इसके ऊपर में आपने देखा होगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प, नॉन आप। और अगर जो कोर्ट से रिलेटेड एडवोकेट होंगे या पीसी में आप किसी कारणवश गया होंगे कोर्ट में, तो जो स्टैम्प वहां परचेस करते हैं वो जुडिशियल स्टैम्प होता है। 5 रुपए 10 रुपए का भी जो स्टैम्प टिकट ग्रुप में आपको दे दिया जाता है वो अवेलेबल होता है। प्रिंटिंग एक A4 साइज के पेपर में या हो सकता है A4 साइज से कम हो, वो जो स्टैम्प खरीदते हैं उसमें जैसे कि पैसे है 10 रुपए का, जिस पैसे में छपा होता है आपको ऐसे ही आपको वहां पे लगेगा। इसी प्रकार नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर अलग 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 हो सकता है, और जुडिशियल स्टैम्प जो है
वो भी पैसे की तरह ही दिखता है, बट उसका यूज कोर्ट परिसर में होता है, कोर्ट में फीस पटाने के लिए होता है। और जुडिशियल स्टाम्प का जो मैं आपको बताया, अलग अलग उपयोग में बहुत सारे बॉन्ड पेपर समझौता शेयर मार्केट के एग्रीमेंट को जो कुछ भी पहले होता होगा अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। अब जो है स्टैम्प जो प्रिंटिंग होता है वो दूसरा आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ई स्टैम्प बोलते हैं। तो ई स्टैम्प जो प्रिंटिंग होता है उसमें आप एक सिंगल पेपर में, मान लीजिए आप स्टाम्प पेपर फिजिकली स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो फिजिकली स्टाम्प पेपर में आप 20 का, 50 का, 100 का ऐसे अलग अलग ले सकते हैं। लेकिन इस स्टाम्प पे गवर्नमेंट ने जो हमें सुविधा दिया है एक सेंटर के माध्यम से, एक प्राइवेट सेंटर को उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जिसको स्टॉक होल्डिंग कंपनी का नाम है इसका, इसके माध्यम से आप ई स्टैम्प ले सकते हैं और जितने चाहे आप उतने ले सकते हैं। एक सिंगल पेपर में आप चाहे तो 10 लाख का ले सकते हैं, 5 हजार का ले सकते हैं, 20 रुपए का भी ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा ई स्टैम्पिंग के बारे में आप जानते हैं। ई स्टैम्प के बारे में जानने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल जो स्टैम्प पेपर है उसका उपयोग सबसे पहले कहां हुआ था। दोस्तों स्टैम्प पेपर का सबसे पहले उपयोग नीदरलैंड में हुआ था 1620वीं सन पे। तब से लेकर आज तक जो है सभी देशों में उनके हिसाब से जो है स्टैम्प पेपर उपयोग में लिया जाता है। हमारे देश में जो है जो उस जमाने में पेपर यूज होता था वो मैं आपको बता देता हूं। 1938 के स्टैम्प पेपर दिखाता हूं जो उस समय अलीपुरा रियासत था। अलीपुरा रियासत आज जिसको हम मध्य प्रदेश में छतरपुर के नाम से जानते हैं, उस समय जो रियासत उस राज्य में जो उपयोग होता था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 1938 के स्टाम्प है जो है। इसी प्रकार अगली राज्य 1934 में सांगली राज्य अब कहाँ है सभी जानते हैं, जो है महाराष्ट्र राज्य में सांगली अब है। पहले एक राज्य हुआ करता था जो 11 राज्य थे उसमें से एक राज्य सांगली राज्य भी था, आज ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। उसका भी स्टाम्प पेपर आप देख सकते हैं जो है उस जमाने का कैसे दिखता था। इस स्टैम्प जानते हैं जुलाई 2013 से भारत सरकार ने जो त्रुटियों है और जो पायरेसी कहना चाहिए, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं एक अब्दुल करीम तेलगी का बहुत बड़े स्टैम्प घोटाला हुआ था, आप लोग न्यूज में बहुत पहले सुने होंगे, चाहे तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। लगभग अनुमानित 20 हजार करोड़ का यह घोटाला था जो नकली स्टैम्प पेपर बना बनाकर पता नहीं किस किस राज्य में ये लोग बेचते थे। आज वो घोटाला पर्दाफाश जिस समय हुआ अनुमानित है कि 20 हजार करोड़ का लगभग ये घोटाला हुआ था। इसी त्रुटियों को, इसी सब जो घोटाले को, फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था बनाई गई जो ई स्टैम्प जो है जारी करती है, और इसको स्टॉक रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA जो इसकी देखरेख करती है जो है। इसलिए ई स्टैम्प आज सुरक्षित है। जब भी आप ई स्टैम्प लेते हैं सबसे पहले आपको एक प्रूफ दिया जाता है, उस प्रूफ में कितने रुपए का आप स्टैम्प लेते हैं उसके पहले जो मैं फॉर्म दिखा रहा हूं ये फॉर्म फिलअप करना होता है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ई स्टैम्प जो मैं ई स्टैम्प दिखा रहा हूं ऐसा ई स्टैम्प होता है, उस ई स्टैम्प आपका गलत फर्जीवाड़ा कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन प्रिंट मिलता है। जो भी एजेंसी या उस ई स्टैम्प का कोई वेंडर है उस वेंडर के माध्यम से ही आपको खरीदना है, जिसका राजस्व डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधा चले जाता है। जिसका ई स्टैम्प नंबर इश्यू होता है वो गवर्नमेंट जो है आप उस वेबसाइट के माध्यम से आप गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहता है जिससे फर्जीवाड़ा और रुक जाता है, और इसका डुप्लीकेट होने का जो प्रामाणिकता होना चाहिए कि किसी ने धोखाधड़ी कर दिया, फर्जीवाड़ा कर दिया, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए जो है आज ई स्टैम्प चलन में है, पूरे देश में अधिकतम सभी राज्यों ने ई स्टैम्प जो स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके सेंटर सभी जगह है, कुछ बैंकों को भी ऑथराइज किया गया है, वहां से भी आप ई स्टैम्प आप परचेस कर सकते हैं। तो ई स्टैम्प जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा शानदार कदम है सरकार का और इसको सभी को हमको उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए आपने ई स्टैम्प खरीदा, किसी कारणवश ई स्टैम्प गलत हो गया और प्रिंट हो गया, तो आप जो स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन का ऑफिस है उसके ऑफिस में जाके एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके
आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रिफंड आएगा चेक के माध्यम से आपके नाम से आएगा, 10% जो भी निर्धारित शुल्क है जितना कट के उतना कट के ही आपके नाम से चेक आएगा। तो इस टाइम पे ये फैसिलिटी है। जैसे कि इस टाइम पेपर का जो अवधि, ऐसे अवधि बाई लॉ तो नहीं है कि इसकी वैलिडिटी क्या होगी फिजिकल स्टैम्प पेपर का, बट 6 महीना के अंदर वो उपयोग किया जाना चाहिए। अगर उपयोग नहीं किया जाता है तो आप उसी स्टैम्प, फिजिकल स्टैम्प पेपर को आप जमा भी कर सकते हैं। जो है ऐसे वैलिडिटी का कोई कानूनन है नहीं, बट लॉ में आप जो मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जो है तो इस टाइम का अगर कुछ फिजिकल कुछ मिस्टेक हो जाता है भाई, और या फिर आपने जो इस टाइम परचेस किया है उसका यूज नहीं है लेकिन आपने पेमेंट कर दिया, तो आप उसको जो है ऑफिस में जाके फॉर्म फिलअप करके शपथ पत्र देके अपना बैंक का जानकारी देके आप उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 1 से 2 महीना जो भी टेंटेटिव टाइम है उस टाइम पे आपको चेक के माध्यम से वो रिफंड आ जाएगा। इसलिए घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब भी आप इस टाइम के लिए अप्लाई करें, जो फॉर्म फिलअप है, फॉर्म फिलअप करने के बाद जब जो ऑथोराइज एजेंसी है या वेंडर है, क्योंकि वेंडर को लाइसेंस मिला होता है इस स्टैम्प जारी करने के लिए, आप प्रॉपर अपना नाम, जिस भी काम के लिए स्टैम्प खरीद रहे हैं वो सारा चीज आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फाइनल प्रिंट निकलवाइए इस स्टैम्प के लिए तो बेहतर रहेगा। फ्रैंकिंग मशीन एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें आप जितने का भी स्टाम्प चाहे आप उतने का स्टाम्प किसी आपके जो प्रॉपर्टी पेपर है उसमें आप स्टैम्प करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अधिकतर फ्रैंकिंग मशीन का जो चलन आया था, जो स्टैम्प घोटाला हुआ था अब्दुल करीम तेलगी वाला, उसके बाद से ज्यादा चलन शुरू किया गया था फ्रैंकिंग को, जिसके लिए आप जो प्रॉपर्टी पेपर है आपका, जो भी रिलेटेड काम है उसमें आप एक पंच करा के जितने का भी चाहे आप फ्रैंकिंग करा सकते थे। मैं आपको मशीन एग्जैक्ट आपको दिखा देता हूं। जो है इस प्रकार का होता था, ये अलग अलग कंपनी के मॉडल के हिसाब से जो मशीन है अलग अलग होता था। आप ऐसा देख सकते हैं जो है स्क्रीन पे जो मशीन है इसको बोलते थे फ्रैंकिंग। तो इस प्रकार जो है स्टैम्प फ्रैंकिंग होता था, जो अभी बंद हो चुके हैं इस स्टैम्प के आने के बाद। हो सकता है किसी राज्य में अभी भी चलन हो, उसका मेरे को आइडिया नहीं है जिस राज्य में चल रहा हो, बट अधिकतर सभी लोग इस टाइम पे कन्वर्ट हो चुके हैं। और अधिकतर सभी जगह चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो या अन्य बैंकों में जहां इस स्टैम्प जारी होता है अभी सभी इस स्टैम्प पे ही काम। कुछ क्वेश्चन आपके अंदर होंगे जैसे कि क्या स्टैम्प ड्यूटी जो पे करते हैं उसमें इनकम टैक्स कटौती मिलता है? बोला यस, अगर जो स्टैम्प ड्यूटी आप पे करते हैं इनकम टैक्स अधिनियम 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि आप जो रजिस्ट्री कराते हैं वो जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं कोई प्रॉपर्टी लेते हैं खरीदते हैं तो उसकी कॉपी आप सीए को भी देते हैं, तो 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक जो है वो क्लेम कर सकते हैं, आपको इनकम टैक्स में रिबेट छूट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है आपके मन में, क्या स्टैम्प ड्यूटी जो पे कर स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी में शामिल है? तो ये जीएसटी में शामिल नहीं है, ये सेपरेट चार्जेस है। हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेते हैं तो चूंकि उसमें बहुत सारा सामान उपयोग होता है जो जीएसटी में शामिल है, इस कारण जो है बिल्डर आपसे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, अपार्टमेंट में, फ्लैट में, इंडिविजुअल हाउस में आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है। जैसे आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन पे क्या स्टैम्प ड्यूटी शामिल है? होम लोन लेने पे जो है स्टैम्प ड्यूटी शामिल नहीं होता, लेकिन आप चाहे तो उसे खर्चे के रूप में बताकर आप अपना वैल्यूएशन बढ़वा सकते हैं। अगर स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर के द्वारा पे किया जाता है तो उसका क्लेम बिल्डर ले लेता है। अगर स्टैम्प पेपर में लिखा है कि रजिस्ट्री का समस्त खर्चा विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा तो सारा क्लेम जो उसका टैक्स रिबेट है वो बेचने वाला ले लेता है। इसलिए जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं तो ये लाइन जरूर देखिए कि समस्त खर्चे, रजिस्ट्री के खर्चे जो भी है किसके द्वारा वहन किया जा रहा है। अगर आप खरीदने वाले आप चाहते हैं कि आप इनकम टैक्स में इसका फायदा लें तो ये लाइन जरूर लिखा होना चाहिए, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। एक छोटा सा आप टिकट देखते होंगे 1 रुपए का, हल्का लाल कलर का रहता है, उसको बोलते हैं रिवेन्यू स्टैम्प टिकट। रिवेन्यू स्टैम्प टिकट क्या है अधिकतर लोग जानते हैं, पूरे देश में 5,000 या 5,000 से अधिक के लेन देन के लिए
आपको रेवेन्यू टिकट लगाकर जो है रिसीट देना है या लेन देन के लिए उसको आपको उसके ऊपर हस्ताक्षर करके आप इस जो जो भी लेन देन है उस लेन देन को पक्का बनाना है। ये पूरे भारत देश में नियम है। आप अधिकतर देखे होंगे जब आप LIC का प्रीमियम पटाते होंगे तो एक छोटा सा टिकट लगा के जो कैशियर है साइन करके देता है, इसी कारण वो देता है। आप भी किसी को देते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, जो एक प्लेन पेपर में कर सकते हैं कि कोई भी लेन देन के लिए आप एक प्लेन पेपर में रिवेन्यू स्टैम्प टिकट लगाकर उसके ऊपर साइन करके या उससे करवा के आप ये भी प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं, जो अधिकतर लोग करते हैं। चाहे तो आपके ऊपर है, ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप लोग इस पे क्या करते हैं। इसको छोटा सा जानकारी देना था कि रिवेन्यू स्टैम्प टिकट क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं कि कैसे दिखता है, चाहे तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये हमने जाना स्टैम्प के बारे में कि स्टैम्प से रिलेटेड जो भी क्यूरी आपके अंदर होती है, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा प्ले करके इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी से रिलेटेड और नई नई इंफॉर्मेशन आप सबके लिए मैं लाता रहूंगा। तब तक लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।